नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित लेजर और लाइट शो का आयोजन किदवई नगर स्थित गुरुद्वारा बाबा नामदेव के प्रांगण में किया गया। यह कार्यक्रम पहले प्रयागराज और आगरा में संपन्न हो चुका है। इस कार्यक्रम में पटियाला रंगमंच के 25 से अधिक कलाकार आए, जिन्होंने इस नाटक और लेजर शो का मंचन किया। इस कार्यक्रम में श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म से लेकर शहादत तक के एक एक पल को बहुत अच्छे से फिल्माया और दर्शाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी के उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह छाबड़ा विक्की उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत गुरु का अटूट लंगर भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश पंजाबी जो उसकी संस्था है, उसके द्वारा प्रकट भयो गुरु तेग बहादुर का आयोजन पूरे प्रदेश भर में कई शहरों में हो रहा है। पीछे ये कार्यक्रम आगरा और प्रयागराज में हो चुका है, आज कानपुर में है, कल झांसी में है, उसके अगले हफ्ते सहारनपुर और मेरठ में। ऐसे एक श्रृंखला लंबी चल रही है। पटियाला रंगमंच के कलाकार आए हैं, जो 25 से अधिक कलाकार हैं, जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म से लेकर उनकी शहादत तक को फिल्मा रहे हैं। और इसको देख के जनता के बीच में एक मैसेज भी जा रहा है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, कैसे गुरु जी का जन्म हुआ, कैसे शहादत हुई, कैसे उनके साथ मतीदास सतीदास जी को शहीद कर दिया गया, उन सबकी जानकारी मंचन द्वारा की जा रही है। मुख्य अतिथि सभी हैं, वैसे सतीश महाना जी हैं मुख्य अतिथि, वो आने वाले हैं और कार्यक्रम चालू हो जाएगा, वो बीच में आएंगे तो उनका सम्मान हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि गुरु का कार्यक्रम है तो उसको लेट नहीं कर सकते, स्टार्ट कर दिया है।